हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं हेल्प स्टीच यूट्यूब चैनल। आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि किसी वीडियो को रिसर्च कैसे किया जाए, उस वीडियो का एमबी कम कैसे किया जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, जब आप किसी वीडियो को फेसबुक या व्हाट्सएप या फिर यूट्यूब पर अपलोड कर रहे होते हैं तो उस समय सबसे बड़ी परेशानी होती है कि वीडियो का साइज बहुत बड़ा होता है जिस कारण वो जल्द से जल्द अपलोड नहीं हो पाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे किसी वीडियो को एमबी कम कैसे किया जाए। इसके लिए सबसे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। आप गूगल में जाके सर्च करें हैंड ब्रेक, HANDB हैंड ब्रेक, और क्लिक कर दें। क्लिक करने के साथ यहाँ जो आ रहा है हैंड ब्रेक, इस ऑप्शन पर यदि आप क्लिक करते हैं तो आ जाता है हैंड ब्रेक डाउनलोड करने का ऑप्शन। यहाँ आप विंडो के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, मैक के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। विंडो के लिए यदि आप डाउनलोड करते हैं तो यदि आपका 64 बिट का है तो भी डाउनलोड कर सकते हैं, 32 बिट का है तो भी डाउनलोड कर सकते हैं, 7, 8, 9, 10 जो भी हो लैपटॉप सभी में सपोर्ट करता है, उसे आप डाउनलोड कर लें। चूँकि हम डाउनलोड कर लिए हैं इसलिए हम डाउनलोड नहीं करेंगे, आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जिस वीडियो को रिसर्च करना हो, उसका एमबी कम करना हो, तो उससे पहले सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। सॉफ्टवेयर मेरा ओपन हो रहा है, ये हैंड ब्रेक का सॉफ्टवेयर है। यहाँ कैंसिल पर क्लिक कर दें और इसे हम साइड में कर लेते हैं। और हमें इस वीडियो को रिसर्च करना है तो इसका एमबी सबसे पहले चेक कर लेंगे कितना एमबी का है। जैसे इसका 23 MB का ये वीडियो है, इसको हम रिसर्च करना चाहते हैं तो इस वीडियो को हम डबल क्लिक करके यहाँ आके इसको छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद ये अपलोड ले लेता है। उसके बाद जहाँ भी हम वीडियो को सेव करना चाहेंगे यहाँ पर ब्राउज बटन पर क्लिक करेंगे। यदि हम डेस्कटॉप पर सेव करना चाहते हैं तो डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे और जिस नाम से सिलेक्ट करना चाहते हैं वो नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ आप वीडियो बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो बटन पर क्लिक करने के साथ यहाँ एक आइकन बन के आ जाता है, यहाँ क्वालिटी यहाँ बताता है। यदि इधर करते हैं तो आपका वीडियो का क्वालिटी बढ़ेगा और इधर करते हैं तो वीडियो का क्वालिटी घटेगा। आप यहाँ 30 पर सिलेक्ट कर सकते हैं, क्वालिटी 30 पर रखें, इससे बेहतर वीडियो दिखाई देगा और साथ में उसका एमबी भी कम होता है। आप इधर भी कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ स्टार्ट इनकोड पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट इनकोड पर क्लिक करने के साथ हमारा वीडियो प्रोसेसिंग में आ जाता है और उसे कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है। नीचे इस वीडियो का रिमाइनिंग समय भी बताता है कि कितना मिनट के अंदर ये वीडियो जो है रिसाइज हो जाएगा। तो यहाँ बता रहा है 48 सेकेंड और लगने वाला है, तब तक हम आगे की जानकारी आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, आपने यदि हमारा चैनल हेल्प स्टीच को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे हेल्प स्टीच चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको विभिन्न प्रकार की जानकारी मिलता है, जैसे CSE हो गया, DGPA, PATM और भी तकनीकी प्रकार की जानकारी हमारे YouTube चैनल के जरिए आप तक पहुँचते रहेगा यदि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो। चलिए, 17 सेकंड और बचा हुआ है इस वीडियो को कन्वर्ट होने में। आप चाहे तो इस वीडियो को आप स्किप करके भी देख सकते हैं ताकि आपका समय कम लगे। बहुत ही अच्छा ऐप्स है जिसके जरिए आप किसी भी वीडियो को साइज कम कर सकते हैं। कन्वर्ट हो चुका है, यहाँ हम कट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद इसको हम सेव किए थे 70 नाम से, तो 70 पर यहाँ राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टीज पर क्लिक करने के साथ देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये 3.42 MB का इसका रिसाइज हो चुका है जो कि बहुत ही अच्छा है। इससे अच्छा और क्या चाहिए हमें। अब इसको हम चला के देखते हैं क्वालिटी। पहले हम सबसे पहले पहले वाले वीडियो को चला के देख लेते हैं कि इसका क्या क्वालिटी है। देख लीजिए, इसका क्वालिटी ये है। और चलते हैं जो कन्वर्ट हुआ है उसके बाद का क्वालिटी क्या है। तो देखा फ्रेंड्स, दोनों के क्वालिटी में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, परंतु एमबी पूरा कम हो चुका है। इससे अच्छा सॉफ्टवेयर फ्रेंड्स पूरे गूगल में नहीं मिलने वाला है। यदि आपको मिल भी जाता है तो उसके बारे में हमें ज़रूर बताएं अपने कमेंट बॉक्स में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।